हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फाइकस माइक्रोकार्पा, जिसे चाइनीज बनियान के नाम से जाना जाता है। ये जो डिफरेंट शेप्स के जो फाइकस है, मैंने एक जगह पे विजिट किए थे, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि अलग शेप में बनाए जाते हैं, और ये एक अच्छी खासी खूबसूरत बॉन्साई भी है। ये देखिए इसका शेप कितना खूबसूरत है, ये सेकंड वाला। तो इसके जो पत्ते हैं बहुत ही ग्रीन कलर के रहते हैं। मैंने आगे भी एक वीडियो डाला था, जिसका मैंने मेरे घर पे मैंने एक बॉन्साई रखी थी और उसको बनाई थी, लेकिन वो स्मॉल वाली थी। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही मैच्योर ये बॉन्साई है, और इसको बनाने में सालों लग जाते हैं। और ये जो फाइकस है, वो उसकी केयर और उसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो इसकी जो स्टेम होती है ना, इतनी इसकी जो जड़ें, जिसको बोलते हैं स्टेम को, इतनी मजबूत और हरी भरी इसीलिए है क्योंकि उसको रेगुलरली उसका कटिंग और उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ये जो सारे शेप्स भी है ना, ये सारे शेप्स ग्राफ्टिंग की वजह से ही ये बनते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है डिफरेंट शेप्स बनाने का। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जो फाइकस है इतना एक्सपेंसिव है, शायद आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई सिटी में रहते हो या फिर कोई बड़ी मेगा सिटी में रहते हो, तो जहाँ पे फ्लावरिंग का या फिर प्लांट का जो एग्जीबिशन रहता है, वहाँ पे शायद आपको ये फाइकस एक्सपेंसिव वाला देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो पहले भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में सर्च किया, रिसर्च किया, और मैंने खुद भी एक प्लांट ख़रीदा था। तो मैंने शायद आगे एक वीडियो डाला भी है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें स्मॉल वाला प्लांट था, लेकिन ये जो है बहुत ही बड़े है, जिसको अगर मैं कहूँ कि इसकी जो मैच्योरिटी है या फिर इसकी जो आयु है, वो तकरीबन 15 साल, 20 साल, 25 साल भी होती है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा खासा, और इस जो शेप है बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अगर आप उसको अपने घर पे या फिर आपके पास आपका घर अगर बहुत बड़ा है, बंगलो है जैसे, तो अगर आप फ्रंट में रखोगे तो इसकी खूबसूरती अलग ही निखरती है। आप देख सकते हैं, देखो इसकी इतनी जड़ें। इसको पहले ज़मीन में ही लगाया जाते हैं, उसके बाद उसको पॉट में शिफ्ट किया जाता है। अगर कीमत की बात करें तो कीमत की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही कॉस्टली रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कीमत क्या रहती है। ये देखो कितना खूबसूरत है। और मॉनसून में अगर ये आपने लगाया अपने घर पे, तो इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी कीमत आप देख सकते हो, इसकी कीमत है 45,000। सोच लो, आधा लाख रुपया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत ही कॉस्टली आता है, तो इसीलिए सब हर नर्सरी में भी नहीं मिलता, लेकिन जो इसकी जो कलेक्शन रहती है, जो बड़ी बड़ी नर्सरी में, वहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।